नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप भाइयों। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर के फॉर्म की शुरुआत हो चुकी है। नोटिस पहले ही आ चुका था और 1 तारीख से यानी 1 अप्रैल 2021 से फॉर्म भरने की शुरुआत हो चुकी है। ये सभी को मालूम है कि इसका जो फॉर्म भरने की डेट है वो 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक है, यानी पूरा 1 महीना। बहुत सारे भाई ऐसे हैं जिन्होंने नोटिस को देखकर बहुत ज़्यादा उत्साहित हो गए हैं, फॉर्म जल्दी से जल्दी भरने की बात आ रही है। तो भाई फॉर्म में भरने के समय भी यही है कि हम भी यही चाहते हैं कि आप जल्दी से भरें, लेकिन फॉर्म भरने से पहले आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है भाई। बहुत ज़रूरी जो चीज़ें हैं, कई बार ऐसा होता है कि हमारी हल्की सी लापरवाही से हमारा फॉर्म में थोड़ी सी छोटी सी मिस्टेक रह जाती है और हमें उसका खामियाजा जिंदगी भर भुगतना पड़ता है। तो हमें उनसे बचना है, तो उसी के लिए हम एक विशेष वीडियो लाए हैं। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं लेंगे हम, लेकिन जो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिनमें बच्चे गलती करते हैं, उन चीज़ों को आपके सामने पेश करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप फॉर्म भरने से पहले इस वीडियो को पूरा ढंग से देखेंगे, एक एक पॉइंट को देखेंगे और एक एक पॉइंट को देखने के बाद ही फॉर्म भरेंगे। देखिए भाई, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो भर्ती है यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर की, बहुत अच्छी लेवल पर हो रही है, बहुत अच्छा चांस है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी कह सकते हो आप इसमें, वैकेंसी बहुत अच्छी हैं। तो उस हिसाब से हमें किसी भी कीमत पर किसी भी लेवल पर कोई गलती नहीं करनी है। देखिए, सब कुछ सही रहा तो बहुत अच्छा चांस हो जाएगा कि आपका रिजल्ट अच्छा बने, आपका सिलेक्शन हो जाए, आपको एक ऐसी नौकरी मिले जो सम्मानजनक नौकरी है। उसको प्राप्त करना है तो हमें हर कदम को सोच समझ कर उठाना पड़ेगा। पहला कदम जिसमें फॉर्म भरने का होता, फॉर्म अप्लाई करने का होता है, और अगर हमारा पहला ही कदम गलत हो गया तो भाई उम्मीद समझ सकते हैं कि फिर क्या होगा। तो इसलिए इसमें हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। हमारे आने वाले टाइम में जो हम अभी बता रहे हैं आपको वीडियो का आगे का जो पार्ट है, हमारे इसी एक एक पॉइंट पर हम ध्यान करेंगे कहाँ पर गलती होती है और उस गलती से कैसे बचना है। ठीक है, मैं फिर से कहना चाह रहा हूँ भाई, नौकरी है, 2 स्टार है, 1 स्टार आपको बुला रहे हैं, नौकरी आपको बुला रही है, आपके दरवाजे को आपकी किस्मत खटखटा रही है, आपको बस करना है कि दरवाज़ा खोलना है। नौकरी बुला रही है, जिंदगी बुला रही है, किस्मत बुला रही है भाई, इसमें लापरवाही नहीं करनी। बहुत चांस है कि सिलेक्शन हो जाएगा, बहुत अच्छा चांस है, मेहनत करने वाले जो होंगे वो सिलेक्शन भी लेकर जाएंगे, लेकिन दुख उनका होता है जिन्होंने मेहनत बहुत अच्छी कर रखी है और छोटी सी गलती उन्हें ले डूबती है, उससे बचना है भाई। मैं फिर से बोल रहा हूँ, नौकरी बुला रही है, इसको अपना लो, सही ढंग से मेहनत कीजिए। मैं फिर से बोल रहा हूँ, नौकरी बुला रही है, कोई गलती मत कीजिए। नौकरी बुला रही है, जल्दी करनी है, जल्दबाजी नहीं करनी है। नौकरी बुला रही है, दरवाज़ा खोलना है, किस्मत खड़ी है। ध्यान रखिए भाई, ऊपर वाले का आशीर्वाद रहा, आप सबका सिलेक्शन होगा। मैं ये चाहता हूँ कि जो भाई वीडियो देख रहे हैं उन्हें इस स्टेज से लेकर ट्रेनिंग तक कोई प्रॉब्लम नहीं आए। मैं चाहता हूं कि आपका फॉर्म भी सही हो, आपका रिटर्न भी अच्छा जाए, फिजिकल भी जाए, मेडिकल भी जाए, और लास्ट में आप सिलेक्शन लें। ऊपर वाले का आशीर्वाद रहा तो ये सब कामयाबी आपके कदम चूमेगी। मेरी इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आज की वीडियो की शुरुआत करता हूँ। भगवान आपको सफलता प्रदान करे, ऐसी मेरी शुभकामनाएँ हैं। तो शुरुआत करते हैं, बस एक चीज़ कहना चाह रहा हूँ, वीडियो को अंत तक ध्यान से देखना। आ जाते हैं भाई। देखिए, जब हमें फॉर्म अप्लाई करना है तो हमें क्या क्या चीज़ों पर ध्यान रखना है उसके बारे में। पहली चीज़, देखिए हमारी जो फॉर्म भरने की क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन मांग रहे हैं भाई। आपके मन में कोई शंका नहीं होनी चाहिए, ग्रेजुएशन मांग रहे हैं, आप ग्रेजुएट होने चाहिए। ठीक है, पूरा नहीं लिख रहा हूँ मैं, लेकिन इसमें भी बहुत सारे भाइयों के मन में शंका है। स्पष्ट लिखा हुआ है कि ग्रेजुएशन कब तक होनी चाहिए, जिस दिन आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, उस दिन आपके पास ग्रेजुएशन की मार्कशीट या सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है, तो ही आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। किसी को टेस्ट
मतलब अभी पेपर दिए हैं, रिजल्ट आना बाकी है, वो फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकता, क्योंकि इसके जो हमारे ग्रेजुएशन के प्रूफ के डॉक्यूमेंट है वो अपलोड होंगे, स्कैन किए जाएंगे, अपलोड किए जाएंगे। तो इसीलिए सिर्फ वही भर सकते हैं जिनकी ग्रेजुएशन हो चुकी है। हालांकि कुछ में ग्रेजुएशन विद साइंस भी मांग रहे हैं फायर वालों में, ठीक है, तो ग्रेजुएशन होना मस्ट है, पहली चीज। दूसरी बात भाई, उम्र जो है वो कब कैलकुलेट हो रही है, 1 जुलाई को कैलकुलेट हो रही है। ये सभी मैं पहली वीडियो में भी आपको इतना बता चुका हूँ, 1 जुलाई को 21 से 28 वर्ष एससी एसटी ओबीसी को एक्स्ट्रा छूट है, ठीक है। अब जब हम फॉर्म अप्लाई करेंगे तो उससे पहले फॉर्म अप्लाई आप किसी साइबर कैफे फेयर जाकर आप फॉर्म अप्लाई कराएंगे, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या क्या चीज़ तैयार करनी है। सबसे पहले देखिए, केवल इसी टेस्ट की नहीं, किसी भी फॉर्म को आप गवर्नमेंट जॉब के लिए कोई भी फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो आपको जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ध्यान रखनी है वो ये है कि हर गवर्नमेंट जॉब में अब एक ईमेल आईडी मांगते हैं। तो आपको जो है जिन भाइयों की ईमेल आईडी बनी हुई है वो ठीक है, अगर नहीं बनी तो सबसे पहले ईमेल आईडी बनाइए। वो ईमेल आईडी और उसका पासवर्ड, जो भी आप पासवर्ड देना चाहें, ये आप अपनी एक डायरी में नोट करके रख लीजिए भाई। सबसे पहला आपका काम ये होगा। और आगे से ध्यान रखेंगे, आप गवर्नमेंट की जॉब के लिए कोई भी फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं इसी ईमेल आईडी और इसी पासवर्ड को देंगे। बहुत सारे भाई किसी दूसरे की ईमेल आईडी दिलवा देते हैं, भूल कर भी नहीं करना आपको ये, क्योंकि इसी पर आपकी सारी सूचनाएं आएंगे भाई। तो ईमेल आईडी और पासवर्ड जो है वो एक डायरी में लिख कर रख लीजिए। अगर पासवर्ड को कभी बदल रहे हैं तो उस पासवर्ड को अपनी डायरी में तुरंत अपडेट कीजिए, जिससे भूलने की गुंजाइश खत्म हो जाए। दूसरा, एक फ़ोन नंबर जो है वो भी आपका फिक्स होना चाहिए। बहुत से युवा ऐसे होते हैं बहुत जल्दी जल्दी फ़ोन नंबर चेंज करते रहते हैं। आप फ़ोन नंबर कितने भी चेंज कीजिए, लेकिन जिस फ़ोन नंबर को आप एक गवर्नमेंट जॉब में दे रहे हैं, हर एक गवर्नमेंट जॉब में उसी फ़ोन नंबर को देना है। ऐसा नहीं कि एसएससी में दे रहे हैं तो कुछ और दे दिया, अभी यूपी में दे रहे हैं तो कुछ और दे दिया, पीसीएस में दे रहे हैं तो कुछ और दे दिया, रेलवे में दे रहे हैं कुछ और दे दिया, ऐसा नहीं करना। एक फ़ोन नंबर फिक्स कर लीजिए, ईमेल आईडी फिक्स कर लीजिए, ये आपके पास नोट होने चाहिए कि हम इसको जा रहे हैं भाई हर बार, ठीक है। ओके भाई, ये चीज़ आपको शुरुआत कर लेनी है। दूसरा, जब आप फॉर्म अप्लाई करने जाएंगे तो आपको डॉक्यूमेंट ले जाने हैं। पहला डॉक्यूमेंट ले जाना है आपका ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट, जिसमें आपको पता चलेगा कि इसमें आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट हो गया भाई, ठीक है, ग्रेजी लिख देता हूँ। दूसरा डॉक्यूमेंट क्या होगा, दूसरा होगा अगर आपके पास कोई अधिमानी अर्हता है, यानी कोई एक्स्ट्रा भी क्वालिफिकेशन है, तो उसको भी आप रखना है। तीसरी चीज़ आपकी जो आएगी, आपकी कास्ट सर्टिफिकेट, अगर एससी का है, एसटी का है, ओबीसी का है, या फिर EWS का है, ये सर्टिफिकेट भी आपको चाहिए। इसमें आपको याद रखना है, ये जो ओबीसी सर्टिफिकेट है या EWS सर्टिफिकेट है, ये दोनों एक अप्रैल 2020 के बाद के होने चाहिए, यानी एक वर्ष से ज़्यादा पुराने नहीं होने चाहिए भाई। 1 अप्रैल 2020 के सर्टिफिकेट होना चाहिए या उसके बाद का होना चाहिए, यानी 2021 में कभी भी बनवाया चल जाएगा आपका, अभी आपने बनवाया चल जाएगा। एक बात और कहना चाहूँगा, ये भी होने चाहिए आपके पास, मतलब ये चाहे पुराने चल जाएंगे, आज का है तो भी चल जाएगा, 3 साल पुराना ये पुराना भी चल जाएगा, लेकिन ये 1 साल से ज़्यादा पुराने नहीं चलेंगे। अगर किसी भाई के पास ये नहीं है और वो अप्लाई कर रहे हैं ओबीसी से या ईडब्ल्यूएस से, तो आपको जिस दिन आपके पास सर्टिफिकेट बनकर आ जाए उससे अगले दिन फॉर्म अप्लाई करना है, उसी दिन फॉर्म अप्लाई करना है, उससे पहले अप्लाई नहीं करना है। समझ में आया मैंने क्या कहा? मान लिया आपका ओबीसी सर्टिफिकेट बनकर आ रहा 15 अप्रैल को, आप 10 अप्रैल को फॉर्म अप्लाई नहीं करेंगे। आपका 22 अप्रैल को बनकर आ रहा, आप 18, 17, 15 में नहीं अप्लाई करेंगे। आप 22 को आया तो 22 को करिए, 23 को कर सकते हैं। उम्मीद है ये क्लियर हो गया। दूसरी बात, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, ईडब्ल्यूएस का जो परफॉर्मा है वो दे रखा है नोटिस में, उसको चेक कर लेना, उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। ओबीसी सर्टिफिकेट का परफॉर्मा दे रखा है, जो ओबीसी सर्टिफिकेट होगा वो यूपी वाला चलेगा भाई, क्योंकि हमारे यूपी में 2 तरह के सर्टिफिकेट बनते हैं ओबीसी के, एक सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, एक स्टेट गवर्नमेंट के लिए। तो आपको स्टेट गवर्नमेंट वाला चाहिए, जिस पर लिखा होगा उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन जो होता है, इस तरह का लिखा होगा, तो उत्तर प्रदेश सरकार होगा, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट सदन ही होगा। इस परफॉर्मा को आप देख भी सकते हैं,
उसी टाइप का ओबीसी सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही ईडब्ल्यूएस का परफॉर्मा उसको भी देख सकते हैं, एससी एसटी का भी है, ये जनरली इसमें कोई गड़बड़ नहीं होती, ये परफॉर्मा चेंज हो जाता है, तो इस पर ध्यान देना है, ठीक है। दूसरी बात, दो में एक वर्ष से पुराने नहीं होने चाहिए, चाहे नया आज का भी है तो भी चल जाएगा। इससे अलग एक डोमिसाइल चाहिए, मूल निवास प्रमाण पत्र। अगर किसी भाई के पास मूल निवास प्रमाण पत्र यूपी का नहीं है तो याद रखना वो जनरल में काउंट किया जाएगा। आप ओबीसी से हैं, मूल निवास नहीं है, आप जनरल काउंट होंगे। आप एससी एसटी से हैं, मूल निवास नहीं है, जनरल काउंट होंगे। अदर स्टेट का एसटी का प्रमाण पत्र है, ओबीसी का अदर स्टेट वाला जनरल में काउंट होगा, ठीक है। तो जो यूपी से बिलोंग करते हैं उनके पास डोमिसाइल होना चाहिए, वरना तो आप जो अदर स्टेट के कोटा है उसी के लिए अप्लाई कर पाएंगे, सभी के लिए नहीं हो पाएगा। जो यूपी से बिलोंग कर रहे हैं वो सभी के लिए फाइट करेंगे, अदर स्टेट वाले सिर्फ कोटा के लिए फाइट करेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, ओके। इसके बाद ये आप सारे कागजात जितने भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उनको लेकर जाएंगे साइबर कैफे में और अप्लाई कराएंगे। दूसरा में, अब आप साइबर कैफे में पहुँच जाते हैं, पहली चीज मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि ज़्यादा लेट नहीं होना। अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट क्लियर हैं तो जल्दी से कल परसों नरसों दो तीन दिन चार दिन के अंदर आप अप्लाई कर दीजिए। कई बार होता क्या है कि हम लेट करते रहते हैं लापरवाही की वजह से, और जब लास्ट डेट आती है तो पता चलता है जी सर्वर डाउन हो गया है। अब सर्वर डाउन हो गया लास्ट के पाँच दिन तो बड़ी समस्या हो जाएगी, तो इसीलिए आपको जल्दी से जल्दी अप्लाई करना है। लेकिन याद रखना, जल्दी करनी है, जल्दबाजी नहीं करनी है, जल्दी करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, ये जरूर ध्यान रखना है भाई। अब जल्दबाजी क्या है उस पर आ जाते हैं। ये सब ले गए आप डॉक्यूमेंट, जब आप साइबर कैफे पहुंचते हैं तो एक चीज और चाहिए आपको, फोटो, ठीक है। एक और चाहिए हस्ताक्षर, हस्ताक्षर यानी सिग्नेचर। तो बात पहले फोटो की करते हैं, तो भाई जो आप फोटो लगाएंगे, फोटो भी स्कैन होगा, वहां पर अपलोड किया जाएगा फोटो भी, तो जो फोटो लगाएंगे पहली बात अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। दूसरी बात, फोटो जब खिंचवाएं तो मेरी तरह दाढ़ी नहीं रखना भाई, दाढ़ी कटवा लेना। तीसरी बात, फोटो नज़र सामने करके खिंचवाना, स्टाइल में ये वाली स्टाइल मत अपनाना कि जो तिरछा खिंचवाते हैं बहुत सारे। याद रखना स्पष्ट लिखा हुआ है, फोटो खिंचवाते समय आपके फोटो में दोनों कान दिखने चाहिए, ये वाला भी भाई, ठीक है, दोनों कान दिखने चाहिए। अगर आप साइड से खिंचाएंगे तो एक कान दब जाएगा, वो नहीं करना है। सर पे कैप नहीं होना चाहिए, आँखों पर चश्मा नहीं होना चाहिए, ठीक है, रंगीन चश्मा नहीं पहनना भाई, चश्मे का मतलब रंगीन चश्मा, ठीक है। आंखें बिल्कुल स्पष्ट दिखनी चाहिए, पूरा चेहरा स्पष्ट दिखना चाहिए, और फोटो यहाँ तक का होना चाहिए, ठीक है, छाती तक का जो एरिया है यानी कंधे से थोड़ा नीचे तक का फोटो जरूर दिखना चाहिए, ओके। अच्छी क्वालिटी का हो, सामने की तरफ चेहरा हो, आंखों पर चश्मे, रंगीन चश्मे ना हो, सर पर टोपी नहीं हो, दाढ़ी नहीं हो, ये चीज़ करके आप फोटो खिंचवा कर जाएंगे, ठीक है। दूसरा, हस्ताक्षर। हस्ताक्षर में क्या होता है कि बहुत सारे भाई हस्ताक्षर करते समय गड़बड़ कर देते हैं। मान लिया किसी का नाम हेमंत है तो वो हेमंत ऐसे लिख देते हैं हस्ताक्षर में, सिग्नेचर में, तो आपका ये हस्ताक्षर नहीं चलेगा। बहुत सारे कैपिटल में अपना नाम लिख देते हैं, हस्ताक्षर नहीं चलेगा। अगर आपको पूरा ही नाम लिखना है तो आप स्मॉल में लिख सकते हैं, एक शुरुआत के कैपिटल बाकी स्मॉल में लिख सकते हैं, ये चल जाएगा। लेकिन आप ऐसा नहीं लिखना चाह रहे, आप एच लिखना चाह रहे हैं, उसके बाद आप कुछ भी लिखना चाह रहे हैं, चल जाएगा भाई। हस्ताक्षर की आपने पर्टिकुलर हस्ताक्षर तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना भाई। हिंदी में हस्ताक्षर चल जाएगा, ये भी ध्यान रखना है। कोई भी आप कुछ भी करेंगे वो चल जाएगा, लेकिन ये वाला हस्ताक्षर नहीं चलेगा, ये ध्यान रखना। कैपिटल में नाम नहीं लिखना है, स्मॉल में लिख सकते हैं। स्मॉल में लिखने के बाद ऐसा भी कर सकते हैं आप, एच ई एम लिख दिया, उसके बाद एन टी लिखने के बाद ऐसे भी लाइन वगैरह खींच कर या कुछ भी कर सकते हैं, वो सब चल जाएगा। तो फोटो और हस्ताक्षर याद रखना, हस्ताक्षर पर बहुत ज़्यादा सीरियस होता है डिपार्टमेंट। अगर किसी ने ऐसा किया है तो वो फॉर्म रिजेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब आपके पास ये सब चीज़ तैयार है, अब आप फॉर्म अप्लाई करने के लिए बिल्कुल तैयार है। फिर कह रहा हूँ जल्दी नहीं करना, जल्दी करना जल्दबाजी नहीं करना। फिर कह रहा हूँ चांस नहीं लेना, नौकरी बुला रही है। फिर कह रहा हूँ रिस्क आपका है, नौकरी आपकी है, जीवन आपका है, कामयाबी आपकी है, सफलता है, सफलता सब कुछ आपकी है। तो रिस्क अगर लेंगे तो आपको को दिक्कत हो सकती है, इसलिए रिस्क नहीं लेना,
कोई भी फॉर्म अप्लाई कर रहा है, प्रभाव आप पर पड़ेगा। आप किसी भी साइबर कैफे वाले के पास जा रहे हैं, प्रभाव आप पर पड़ेगा। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। नौकरी बुला रही है, आपको दरवाज़ा बंद नहीं करना। पहला कदम सोच समझ कर उठाइए, पहला कदम संतुलित रखिए, पहला कदम डगमगाया पूरा सफ़र बर्बाद हो सकता है, ये ध्यान रखना है भाई। तो पहला कदम है ये नौकरी की तरफ, पहला कदम है सफलता की तरफ। समझ में आ गया? अब इस पर क्या रखना है उस पर आ जाते हैं। आपके पास सारे डॉक्यूमेंट क्लियर हैं भाई? जब सारे डॉक्यूमेंट क्लियर हैं तो अब आपको क्या करना है? देखिए बहुत सारे भाई क्या गलती करते हैं, उससे जो बचना है हमें, आप पहुंचते हैं साइबर कैफे वाले के पास, इतने सारे लोग फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, तो साइबर कैफे वाले के पास आप आधे घंटे बैठे, वो कह रहा भाई नेटवर्क प्रॉब्लम है, साइट में प्रॉब्लम है, सर्वर में प्रॉब्लम है, अब अप्लाई नहीं कर पाएंगे। आप एक काम कीजिए, अपने डॉक्यूमेंट मुझे दीजिए, अपनी डिटेल लिख कर दीजिए, मैं रात में किसी टाइम आपका फॉर्म अप्लाई कर दूंगा। ऐसा बहुत सारे भाइयों के साथ होता है। आपके मिलने वाले साइबर कैफे वाला है, मिलने वाला है, तो आप सोचते हैं कोई बात नहीं कर देगा, लेकिन यहाँ ही पर गड़बड़ होती है। देखिए साइबर कैफे वाला जो भी है, अच्छा है, आप कोई साइबर कैफे वाले भी देख रहे हैं तो बुरा मत मान जाना भाई, ठीक है। लेकिन एक समस्या है, जब आप फॉर्म अप्लाई करते हैं, अपना फॉर्म अप्लाई करते हैं, तो आप 100% देते हैं। अब साइबर कैफे वाले ने आप जैसे 10 भाइयों के फॉर्म अपने पास रख रखे हैं, जो उसे नाइट में जब साइट थोड़ी मतलब इजी हो जाएगी उस समय अप्लाई करने के लिए रख रखे हैं, वो नाइट में जागेगा, इन फॉर्म को अप्लाई करेगा। आप एक फॉर्म पर पूरा फोकस कर रहे हैं, उसे 10 फॉर्म पर फोकस करना है, 9 फार्म पर वो 100% देता है, एक फार्म पर 99% परफॉर्मेंस देता है, और बाई चांस गलती से वही आपका हुआ तो सोच कर देखिए, रात में उसे भी नींद आएगी, थोड़ा बहुत उसका भी दिमाग थकेगा, 10 फॉर्म अप्लाई कर रहा, रात को देर रात को जग रहा है और वो कर रहा है, तो कुछ भी प्रिंट मिस्टेक हो गई, रिस्क किसका? आपका। नौकरी भी तो आपकी है, तो रिस्क भी आपका है, साइबर कैफे वाले का नहीं है। अब मैं एक बात कहना चाहूँगा, वो भाई साइबर कैफे वाला भाई क्या कर रहा है, आप उसे फॉर्म अप्लाई करने के एवज में 50 रुपये 100 रुपये एक्स्ट्रा देंगे, 150 रुपये एक्स्ट्रा देंगे, बस यही करेंगे। वो उन 50, 100, 150 रुपये को कमाने के लिए वो रात में जाग रहा है। आप पूरी नौकरी के लिए नहीं जाग सकते क्या रात में? अगर फॉर्म अप्लाई करना है तो साइबर कैफे वाला भाई जाग सकता, तो क्या आप नहीं जाग सकते? आप आराम से घर में सो रहे हैं, आपके लिए कोई और काम कर रहा है भाई, सोच कर देखिए। पूरी जिंदगी के लिए, पूरी कामयाबी के लिए, पूरी नौकरी के लिए आपको नहीं जागना चाहिए, जागना चाहिए भाई। तो मैं ये कह रहा हूँ कि किसी और के भरोसे फॉर्म नहीं छोड़ना। आप जब फॉर्म अप्लाई करेंगे, आप सामने बैठे होंगे, बोलिए आप फॉर्म अप्लाई करिए, सबमिट करने से पहले आपको एक एक चीज़ को चेक करना है। जब वो पूरा अप्लाई कर देगा, उससे कहिए भैया एक बार चेक कर, जब वो चेक कर दे फिर कहिए अब मैं चेक करूँगा। अब आपको हर पॉइंट को, चाहे कितना भी है, जहाँ पर भी उसने कुछ भी भरा है, उस हर पॉइंट को देखना है। बहुत सारे येस नो वाली चीज़ होती है, टिक वाली होती है, कुछ भी A to Z हर पॉइंट को देखना है। जब आपको पूरी तसल्ली हो जाए तब सबमिट करना है। आपके नाम की स्पेलिंग कई बार जल्दबाजी में हो जाता है, आपका नाम है DER, जैसे हमारे मेरा ही नाम की बात करें तो DRA भी चलेगा और DER भी चलेगा। अब कागज़ के अनुसार कौन सा है, ये साइबर कैफे वाला जल्दबाजी में गड़बड़ कर सकता है। तो इसीलिए आपको खुद देखना है कि स्पेलिंग तो मिस्टेक नहीं है, नाम में, पिता के नाम में, डेट ऑफ बर्थ में तो कोई दिक्कत नहीं है। कई बार डेट ऑफ बर्थ का महीना सही हो जाता है, डेट सही हो जाती है, वर्ष बदल जाता है, कई बार डेट एक आध दिन आगे पीछे हो जाती है, तो बाद में प्रॉब्लम क्रिएट होती है भाई, ठीक है, क्योंकि आजकल मैनुअल नहीं हो रहा, सब कुछ ऑटोमेटिक हो रहा, तो दिक्कत हो सकती है, ठीक है। अब तीसरी चीज़ भैया, जब आपने सब चीज़ों को A to Z चेक कर लिया तो ही आप फॉर्म सबमिट करेंगे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब भी फॉर्म आप सबमिट करें तो आप कंप्यूटर के स्क्रीन के सामने होने चाहिए 100%, क्योंकि पूरी जिंदगी का निर्धारण इसी एक पॉइंट से होगा। पूरी जिंदगी के सफलता है, सफलता के लिए जो रास्ता है उस पर पहला कदम आप रखने जा रहे हैं, और पहला कदम बिल्कुल सही ढंग से प्रॉपर वे में रखा जाना चाहिए, और मैं यही उम्मीद आपसे करता हूँ भाई। मैं फिर से एक बार कहता हूँ, नौकरी बुला रही है, स्टार बुला रहे हैं,
मौका मत गवाइए, मौका मत चूकिए, लापरवाही मत कीजिए, जल्दबाजी मत कीजिए, हर कदम को ढंग से रखिए, तैयारी के साथ रखिए, सफलता कदम चूमेगी ऐसा मेरा विश्वास है, ऊपर वाला आपका साथ देगा ऐसा मेरा विश्वास है। इन्हीं बातों के साथ भैया, जय हिंद, वंदे मातरम।